आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि वो एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन में चले जाते हैं कि अब हमने गमीज खा ली, अब तो हमारे बालों को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बायोटिन तो हमेशा से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस कोई नई चीज गमीज दे रही है, वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल मतलब मल्टीविटामिन्स में बायोटिन होता है, आपके डाइट से आपको मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो कोई मैजिक पोशन है, एक मैजिक ट्रीटमेंट है आपके हेयर लॉस को लेके, वो एक आप एक्स्ट्रा आप एक मल्टीविटामिन सपोर्ट दे रहे हो बालों को। सर ऐसे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हैं या फिर कोई डाइटरी थिंग्स भी हैं जो हम अपनी ऐड कर सकते हैं फॉर आवर हेयर? तो हेयर इन जनरल डाइट में डाइट तो इम्पोर्टेंट है ही हेयर के लिए, और न कि सिर्फ रूट के लिए, आपका बाल बाहर से कैसा दिख रहा है उसमें भी हेयर इम्पॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलरली अगर हेयर में हमें शाइन चाहिए तो हमारे खाने में बायोटिन होना चाहिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होने चाहिए, और ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी के हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। सो बाय एंड लार्ज ये रखना है। बाकी हेयर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होता, हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट है जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में हो। बट अगर आपके वही ड्राई हेयर, जो हम हाईली पोरस हेयर की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पे खासतौर से ध्यान देना चाहिए, जो आपको ड्राई फ्रूट्स से मिलता है, फिश से मिलता है। ओके सर, पॉल्यूशन भी कोई फैक्टर हो सकता है हमारी हेयर ग्रोथ रेट में या फिर पोरोसिटी को लेकर? 100%। सो अगर अगेन हमारे हाईली पोरस हेयर है, मतलब चीज़ें अंदर आसानी से जा रही हैं, तो अगर आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में है, डस्टी एनवायरनमेंट में है, स्मोकी एनवायरनमेंट में है, तो ये सारे एलर्जेंस पोल्यूटेंट्स ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके उसको डैमेज कर सकते हैं। तो अगेन आप ऐसे कंडीशन में जाएं तो आप कैप पहन लें या ऑयल लगा लें जिससे कवरिंग लेयर, जैसे हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं स्किन के लिए, फेस के लिए, वैसे ही बालों के लिए भी हम डायरेक्ट कैप से या ऑयल से उसको कवर कर सकते हैं हाईली पोरस हेयर। जो लो पोरस हेयर हैं उन वो इस तरह से प्रोटेक्टेड हैं इस मामले में। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर मुझे चूज़ करना पड़े हाईली पोरस और लो पोरस में, तो मैं लो पोरस चूज़ करूँगा। एग्जैक्टली। एंड सर जैसे आपने बात की बायोटिन की, तो इस टाइम मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी गमीज आ रही हैं कि जिनको खाकर बोला जा रहा है कि आपका जो हेयर है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हेयर फॉल कम हो सकता है। सो आर दे रियली इफेक्टिव? नो, सो आई वुड नॉट से दे आर यूजलेस, बट जितनी ज़्यादा उनकी हाइप क्रिएट की गई है वो नहीं है। तो ये बस आपके माध्यम से अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि वो एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन में चले जाते हैं कि अब हमने गमीज खा ली, अब तो हमारे बालों को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बायोटिन तो हमेशा से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई नई चीज़ गमीज दे रही है, वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल मतलब मल्टीविटामिन्स में बायोटिन होता है, आपके डाइट से आपको मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो कोई मैजिक पोशन है, एक मैजिक ट्रीटमेंट है आपके हेयर लॉस को लेके, वो एक आप एक्स्ट्रा आप एक मल्टीविटामिन सपोर्ट दे रहे हो बालों को। तो ऐसा नहीं है कि आपने हेयर गमीज खा ली तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम चली गई, बट इसमें कोई नुकसान नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, और शायद आपको 2-3-4% कुछ बेनिफिट ही मिल जाए। तो लेने में एक दूसरा, लेकिन आपको ओवरडोजिंग भी नहीं करनी है कि हर दिन 3-3 गमीज खा रहे हैं। आप साल में 3 महीने खा लें एक एक गमी, दैट्स एनफ। ओके एंड सर, कैन हेयर पोरोसिटी अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ हेयर ट्रीटमेंट लाइक कलरिंग? यस 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 एब्सोल्युटली, बिकॉज अगेन हेयर पोरोसिटी हाई मतलब जो भी कलर में केमिकल है वो जल्दी अंदर जा रहा है। तो जो हाईली पोरस हेयर होते हैं उनका ब्लीच आसान, उनको ब्लीच करना आसान होता है, तो उनकी हाई लाइटिंग का कलर को लाइट करना आसान होता है, कलर जल्दी चढ़ता है। बट इसका कलर जल्दी उतर भी जाता है, और ये कलरिंग जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आपके बालों को ड्राई और फ्रिजी काफ़ी बनाता है। तो अगर आपके हाईली पोरस हेयर हैं तो आपको लेस केमिकल वाले हेयर कलर यूज़ करने चाहिए, जिसमें PPD कम हो, अमोनिया फ्री हो, जो कि आजकल सब लोग कर भी रहे हैं, और या फिर आपको हर्बल हेयर कलर्स यूज़ करने चाहिए। हाईली पोरस जो लो पोरस हेयर हैं वो ठीक है, दे आर लाइक व्हाट वी कॉल रेजिलिएंट हेयर, तो उस पर इतना कोई खास डैमेज नहीं होता, और वो जो कलर का रिजल्ट है वो भी ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। ओके और सर ये कोई सीरियस कंडीशन है या फिर हम अपने डेली लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, सीरियस एक तो ये कंडीशन ही नहीं है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके बालों की। तो डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टाइप आप उसको केयर करेंगे, अगर आप सही प्रोडक्ट और सही केयर, सही डाइट ले रहे हैं तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके तो सर ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमें मिले हैं। सर अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए हैं, बिकॉज हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप अपने हेयर की कैसे देखभाल करते हैं। तो आपका कभी ऐसा होता है कि बैड हेयर डे है और आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, कभी कभी लगता है। हम लोग एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मोर देन बैड हेयर डेज, हम बैड हेयर मंथ्स के बारे में बात करते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, आज मेरे बाल ज़्यादा गिर गए, कल मेरे बाल कम गिर गए, दैट इज़ इररिलेवेंट। लेकिन कई ऐसे महीने आते हैं लाइक मॉनसून सीजन या पोस्ट फीवर, जब काफ़ी हेयर फॉल होता है, तो उसमें हम लोग अपने बालों की केयर करते हैं, थोड़ा से सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। और बैड हेयर डे, हाँ किसी दिन बालों को साफ करने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा ऑयली लग रहा है, स्टाइल नहीं हो पा रहे हैं,
कभी शैम्पू के बाद कंडीशनर करने का टाइम, जैसे मेरे हमने हाई लो पोरस, तो मेरे बालों की क्वालिटी थोड़ी सी हाईली पोरस वाली कैटेगरी में आता है, तो शैम्पू किया बट कंडीशनर करने का टाइम नहीं मिला या उसके पहले ऑयलिंग करने का टाइम मिला तो बाल बड़े फ्रिजी लगते हैं कुछ देर के लिए, तो हाँ बैड हेयर डे होता है, बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट बैड हेयर मंथ्स। ओके, एंड सर कभी आपके साथ DIY लाइक हेयर डिजास्टर हुआ है जो आपको अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट स्किल्स के साथ ठीक करना पड़ा हो? जी, तो अगेन जब एक बार जब हमारी ट्रेनिंग हो गई इस चीज़ में, उसके बाद फॉर्चुनेटली ऐसा कोई मिस्टेक हुई नहीं, क्योंकि फिर हमें सारा पर, लेकिन पहले जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट था उसके पहले मैं MBBS स्टूडेंट था, तो उस समय मेरा एक कुछ वही पोस्ट फीवर हेयर फॉल हुआ होगा, अब मैं कोरिलेट करता हूँ, तो बाल गिर रहे थे मेरे, तो मैंने रोज़ बहुत ऑयल, हर दिन ऑयल, तो मेरा मजाक भी उड़ता था मेरे कॉलेज में हॉस्टल में कि क्या हर समय ऑयल लगा के रखते हो, बट जैसे जब एक महीने बाद ठीक नहीं हुआ तो मैंने अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी के हेड को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका पोस्ट फीवर हेयर लॉस हो रहा है, उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिए तो जिससे वो ठीक, तो हाँ तो मुझे उस समय प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ी थी, 2 महीने में काफ़ी परेशान रहा था मैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप तेल लगाओ। हाँ मतलब तेल लगाना ठीक है आपके बालों के, लेकिन वही हम लोग एक फॉल्स सेंस पे चले जाते हैं ना, मैंने खुद किया हुआ है कि 2 महीने में हर दिन तेल लगा रहा था, कॉलेज जा रहा हूँ हॉस्टल जा रहा हूँ इतने तेल लेके चिप सब गिर रहे थे। बट हाँ, एंड सर आपके बाथरूम में कौन कौन से हेयर प्रोडक्ट्स अभी हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता, मेरे बाथरूम में बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, एक अच्छा सा शैम्पू है, एक कंडीशनर है, तो कंडीशनर मैं ले दूँ कि हाईली पोरस कैटेगरी है तो मैं कंडीशनिंग करना पसंद करता हूँ, मैं कोकोनट ऑयल लगाना कभी कभी हफ्ते में एक बार कोकोनट ऑयल लगाना पसंद करता हूँ, तो वो मेरे बाथरूम में है, और इसके अलावा मैं कभी कभी थोड़ी सी अब एज के साथ हल्की सी हेयरलाइन भी रिसीव हुई है तो मैं कभी कभी मिनोक्सिडिल भी लगाना पसंद करता हूँ। ओके, एंड सर आपके बालों के लिए आप बोलते हो बिग नो कि ये प्रोडक्ट तो मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा या फिर अपने बालों के साथ ये तो कभी नहीं करूँगा, वो क्या है? तो अगर हम पार्लर प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं तो मैं किसी के भी अगेंस्ट हूँ, सब कुछ जैसी नीड है आप सब कर सकते हैं, बट एक जो प्रोसीजर है जो मैं पर्सनली अपने ऊपर नहीं करूँगा, अपने पेशेंट को बताऊँगा आप कभी मत करो, वो है रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बालों की क्वालिटी सच में बहुत ख़राब हो जाती है उससे, और तो वो मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा। और ऐसे हेयर कलर में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड्स आते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इनका PPD वो सुपर ब्रांड्स होते हैं, इनका ये बोलते हैं ना इंस्टेंट हेयर कलर बहुत देर तक, तो उससे PPD की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी स्किन में एलर्जी आ सकती है उससे। ओके, एंड सर इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल रहा है, एंड आई वुड लाइक यू टू गिव एडवाइस टू आवर व्यूअर्स जाते जाते। तो जनरल एडवाइस है, हमने काफ़ी बार ये बात की है कि आपका हेयर आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है, आपका हेयर आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आपको क्या जीन्स मिले हैं और आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। सो स्ट्रेस फ्री रहें, बॉर्डर लाइफ में स्ट्रेस किसको नहीं है, लेकिन अगर एक्सेसिव स्ट्रेस है तो कुछ योग करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, रात को सोने से आधे घंटे पहले, उठने के आधे घंटे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, अपने डाइट पर ख़ास तौर से ध्यान दें, क्योंकि हम अक्सर इंस्टाग्राम पे या हर जगह बात हो रही है आप ऊपर से क्या लगा रहे हो, ऊपर से क्या लगा रहे हो, कौन सा तेल, कौन सा शैम्पू, कौन सा कलर, लेकिन आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है वो आप ऊपर से जो लगा रहे हो उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आपके बॉडी में आप क्या डाल रहे हो उससे ज़्यादा आपके ब्लड में क्या जा रहा है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन आपके रूट्स को मिल रहा है, तो अपने खाने का खास तौर से ध्यान दें, कुछ स्पेसिफिक नहीं है लेकिन बाय लार्ज चीज़ें डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखें, कार्ब्स कम रखें, डेयरी कम रखें, आपके प्रोटीन से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इस पर खास तौर से ध्यान दें, और इंडियन पर्सपेक्टिव में ये खास तौर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट में रहते हैं, जो नॉनवेज भी खाते हैं वो हफ्ते में एक बार 10 दिन में एक बार नॉनवेज खाते हैं, सो हमारा डाइट प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, विच इज़ अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन उसमें कुछ जो हमारा नॉर्मल हम हर दिन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन की कमी भी है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान दें, जो हम अपने नॉर्मल डाइट पे अक्सर आजकल मिस कर जाते हैं, जो हमारे फास्ट फूड कल्चर में नहीं आता, तो उससे आपके बालों को काफ़ी आराम, काफ़ी आपको बेटर लगेगा अपने बालों में, और आपके प्रोडक्ट्स जैसे कहा इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन फिर भी आपके प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो आपके बालों को ऊपर से डैमेज ना करें, जो हमने आज का हमारा टॉपिक ही ये था पोरोसिटी, तो अपने पोरोसिटी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चूज़ करें जिससे आपकी हेयर की हेल्थ अच्छी रहे, हेयर की हेल्थ अच्छी रहती है तो मूड भी अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है तो हेयर हेल्थ अच्छा रहता है। सो ओके, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू।